नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं देने वाला हूँ एक क्वेश्चन का आंसर। आप जानते हो कि मेरा बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और आप कहाँ पे मुझसे सवाल पूछते हो, कमेंट बॉक्स में। सवाल नहीं है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट कर दिया कीजिए, एक लाइन लिख दिया कीजिए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ़ यू हैव यूज द कॉन्सेप्ट इन योर वर्क, इन योर जॉब, योर बिजनेस, एंड यू हैव गॉट सम गुड रिजल्ट्स। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं चाहे रिस्पॉन्ड करूँ ना करूँ, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसी में से मैं टॉपिक्स निकाल के ये वीडियोस बनाता हूँ। तो लेट अस जंप इनटू द टॉपिक कि डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर देंगे तो कैसे देंगे। तो ये सवाल बहुत सारे स्टार्टअप लेवल स्मॉलर कंपनीज जो FMCGs में होता है उनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम आता है, एंड व्हेन वी डू कंसल्टिंग फॉर देम तब भी ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनसे आता है। तो उसी का जवाब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर इज अ चैनल पार्टनर, एंड द रीज़न वाई दैट पर्सन इज अ डिस्ट्रीब्यूटर इज बिकॉज ही इज और शी इज एन इन्वेस्टर। वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट मतलब वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। अगर आपने उसको क्रेडिट दिया तो आपको ये समझना होगा कि ये क्रेडिट जो हम दे रहे हैं, हाउ मच सिक्योर्ड इज दैट क्रेडिट। क्या आप उसके अगेंस्ट में कोई PDC ले रहे हो? हो सकता है कि आप उनको क्रेडिट दिया और 15 दिन का 20 दिन का PDC ले लिया, ये भी हो सकता है। या फिर आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिए, एक देखिए एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, एग्रीमेंट कर लिए कितने दिन में पेमेंट आएगा, बट दैट इज़ नॉट वेरी एडवाइसेबल। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास रहना चाहिए, या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप ले लो। अब नए कंपनीज जो होते हैं उनको थोड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने में दिक्कत होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स देना नहीं चाहते। बट अगेन दैट क्वेश्चन जो मैंने पहले बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटर इज़ एन इन्वेस्टर, तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो देन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, अगर ये है तो वो इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट किया जाएगा जब हम ROI कैलकुलेट करेंगे। तो ROI के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैश में काम किया तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने कैश दिया और आपका काम चलता रहा। नाउ सी, ज़्यादातर बड़े कंपनीज होता है, लार्ज FMCG एंटरप्राइज होते हैं, दे ऑल डील इन कैश, मतलब उनके पास पैसा आता है तो CNF में आता है, तो CNF से जो स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच होता है। बट स्मॉलर कंपनीज को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। सो आई ऑलवेज एडवाइस, या तो आप PDC चेक ले लो या आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो, शुरू में आप कैश में भी काम कर सकते हो। तो दीज आर द 3 थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर, बट डोंट गिव ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टॉक छोड़ के जाओ, अगर बिका तो हम पे कर देंगे। इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। अगेन आई एम गोइंग टू दैट फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर इज एन इन्वेस्टर। अगर वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इन द स्टॉक, प्राइमरीली स्टॉक में होता है, फिर मार्केट क्रेडिट में होता है, क्लेम्स में होता है, तो इफ दैट पर्सन इज नॉट इन्वेस्टिंग तो उसका कोई ओनरशिप ही नहीं है। कल को बिके ना बिका, देन दैट पर्सन विल नॉट टेक द ओनरशिप, बोलेगा कि आप वापस लेके जाओ। सो डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप कि भाई माल बिकेगा फिर देंगे। ऑलवेज टेक सम सिक्योरिटी। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट थ्रू दिस वीडियो। होप आई एम एबल टू एड वैल्यू टू द नॉलेज यू हैव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल हैव मोर वीडियोज। थैंक यू।